बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ रोग स्टेट। रोग स्टेट कैसे स्टेट को कहते हैं और क्या रोग स्टेट और फेलियर स्टेट दोनों सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है। रोग स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी पराया कंसिडर करती है, यानी जिसका हुक्काबानी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बंद किया होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे आउटकास्ट किया होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके साथ लेन देन नहीं करती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे पराया क्यों कंसिडर किया हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको बायकॉट क्यों किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कंसिडर करती है कि ये जो स्टेट है इसकी अग्रेसिव पॉलिसीज, इसका अग्रेसिव बिहेवियर दूसरे स्टेट्स के लिए और ग्लोबल आर्डर के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, या फ्यूचर में ये स्टेट अदर स्टेट्स के लिए, उनके पीस के लिए पोटेंशियल थ्रेट साबित हो सकती है। याद रखें कि जब हम एक रोग स्टेट की बात कर रहे हैं तो रोग स्टेट का जो बिहेवियर है वो बेसिकली टॉप मोस्ट जो लीडरशिप का बिहेवियर है उसके साथ एसोसिएटेड है। पब्लिक का बिहेवियर उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी पब्लिक का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। जो टॉप लीडरशिप है जो कि फॉर्म पॉलिसी फार्मूलेशन प्रोसेस का की पार्ट है और जो बाकी स्टेट्स के साथ जो उनके एक्शंस हैं उनको डिसाइड करते हैं, बेसिकली रोग स्टेट में उनके बिहेवियर्स को डिस्कस किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें तो अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इराक, लीबिया, इन स्टेट्स को किसी न किसी वक्त इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट, एक पोटेंशियल डेंजर कंसिडर करती रही है और इनको पराया स्टेट या रोग स्टेट का दर्जा देती रही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।